अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग बिलाल टेक्निकल चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम एक एलजी टीवी की लेके आए हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है। आज हम देखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रॉब्लम को किस तरह दुरुस्त किया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये एक एलजी का टीवी है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। ये किस वजह से आ रही है ये हम चेक करते हैं। हमने तमाम वोल्टेजेस को चेक किया, बिल आखिर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये इसका हॉरिजॉन्टल आईसी जो है ये शॉर्ट है, जिस वजह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए ये इस आईसी को हम निकालते हैं बाहर और इसके बाद दूसरे आईसी को लगाकर चेक करते हैं। ये हमने इसके आईसी को निकाल दिया, ठीक है। इस आईसी का नंबर जो है LA 2408 है। तो इस आईसी को हम तब्दील करते हैं। इसको हमने ये तब्दील कर दिया। तब्दील करने के बाद हमने इसके वोल्टेजेस वगैरह को चेक किए हैं जो कि तकरीबन इस वक्त 27-28 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इस वोल्टेजेस को हम जो कि अब एक्यूरेट आ रहे हैं। चलिए आए अब इसकी स्क्रीन की तरफ चलते हैं कि वाकई इसकी स्क्रीन पर वीडियो आई है या नहीं आई। ये देखें आपके सामने इसकी जो है ना स्क्रीन आ गई। एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं। ये देखें टीवी को ऑन किया है हमने रिमोट के ज़रिए से और ये अब स्क्रीन इसकी ऑन हो चुकी है। तो आप यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि अगर ये प्रॉब्लम आए तो आपने इसको कैसे यानी कि दुरुस्त करना है। पहले इसके वोल्टेजेस को चेक करना है जो कि मैंने हिडन कर दिए थे वोल्टेज इसके चेक किए थे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती इसलिए डायरेक्ट आईसी पे आए। आईसी इसका ख़राब था जो कि हमने तब्दील कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आइंदा एक अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे।